लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 131 जज टू डिसाइड इज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस काबिल कबूल शहादत का फैसला जज करेगा। जब कोई फरी किसी वाकिया के बारे में शहादत पेश करना चाहे तो जज को इख्तियार होगा कि फरीक पेश कुनिंदा शहादत से इस्तफसार करे कि वाकिया साबित हो जाने की सूरत में किस तरह वाकिया मुतलिका होगा, और अगर जज का ये ख्याल हो कि वो वाकिया साबित होने की सूरत में वाकिया मुतलिका होगा तो शहादत लेना मंजूर करेगा वरना नहीं। दोहम, अगर वाकिया जिसका साबित करना मकसूद हो इस किस्म का हो कि जिसकी शहादत सिर्फ किसी दूसरे वाकिया के साबित होने पर काबिल कबूल हो तो उस आखिर जिक्र वाकिया को अवल जिक्र वाकिया का सबूत पेश करने से कबल साबित करना लाजिम है, ता वक्त के वो परी के मुस्कुरा वाकिया का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी ना ले और अदालत मुस्कुरा जिम्मेदारी से मुतमहिन ना हो जाए। 3, अगर किसी एलिज्ड फैक्ट के मुतलिक होने का इनसार किसी दूसरे एलिज्ड फैक्ट के पहले साबित होने पर हो तो जज अपनी सवाबदीद के मुताबिक या दूसरे वाक्य के साबित होने से कबल पहले वाक्य की निस्बत शहादत पेश करने की इजाज़त दे सकता है या पहले वाक्य की निस्बत शहादत होने से कबल दूसरे वाक्य की निस्बत शहादत तलब कर सकता है।